हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द आरुज किचन। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम बनाना ब्रेड स्टिक्स और लॉलीपॉप्स बनाएंगे। ये एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आप किसी पार्टी में भी इसको एज ए स्नैक आइटम रख सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 बनाना और कुछ आइसक्रीम की स्टिक। बनाना का छिलका उतार के हम बीच का हिस्सा इस्तेमाल करेंगे अपना स्नैक बनाने के लिए। साइड के हिस्सों को काट के हम अलग रख लेंगे और बनाना के अंदर केयरफुली हम आइसक्रीम स्टिक्स को लगा देंगे। और इसी तरह से साइड के हिस्से काटते हुए बीच का हिस्सा इस्तेमाल करके हम सारी बनाना स्टिक्स अपनी तैयार कर लेंगे। जब सारी बनाना स्टिक्स और लॉलीपॉप्स तैयार हो जाएंगी तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम। उसके बाद हम अपना ब्रेड की कोटिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैं सारे बचे हुए केले के टुकड़ों को लेके एक बॉल में अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको आप स्पून या पोटैटो मैशर या फिर बड़े वाली स्पून के साथ मैश कर सकते हैं। हमारे सारे बनाना मैश हो गए हैं। इसके बाद हम एक एक करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक चुटकी नमक और पिघला हुआ बटर। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप पिसी हुई चीनी और इसको अच्छे से मिला दें। केला क्योंकि खुद एक मीठा फ्रूट है तो आप इसमें चीनी ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद डालेंगे 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी गेहूं का आटा। हम इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि इसको थोड़ा हेल्दी बनाया जा सके। आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें एग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें एग भी डाल सकते हैं, उस केस में हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा कम डालेंगे। इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी हम दूध डाल के एडजस्ट करेंगे और एक इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको चम्मच से अच्छे से फेंटते हुए भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पर रिजल्ट सेम ही आएगा। हमारा ब्रेड का बैटर तैयार है। इससे चाहें तो आप बनाना केक बना सकते हैं, बनाना ब्रेड बना सकते हैं या फिर बनाना मफिन्स बना सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और अपनी बनाना स्टिक्स को एक एक करके बैटर में डुबोएंगे और उसको डीप फ्राई करेंगे। अच्छे से हिलाते हुए चारों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। ऑयल की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि हमारी ब्रेड एकदम से ज़्यादा ना सिके और इसको उलटते पलटते हुए हम चारों तरफ से ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। इसका टेक्सचर बहुत टेस्टी लगता है। बाहर से ये एकदम क्रिस्पी ब्रेड का टेस्ट देगा और अंदर आपको फ्रेश केले की बाइट मिलेगी। हमारा बनाना ब्रेड स्टिक तैयार है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें। इसी तरह से हम बाकी स्टिक्स को भी फ्राई कर लेंगे। इसको बड़ा केयरफुली आपको उठाना है क्योंकि गर्म है स्टिक अभी, और इसको प्लेट में निकाल देंगे। सारी स्टिक तैयार होने के बाद हम इसको ड्रिजल करेंगे थोड़ा पाउडर्ड शुगर और कुछ चॉकलेट सिरप। इसको आप इंजॉय कीजिए चॉकलेट सिरप के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।